हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं विरत दुबे आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस करंट अफेयर्स सेशन में, जो कि जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 8 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जितनी भी करंट अफेयर्स की सीरीज़ है वो सब पसंद आ रही होंगी। अगर आपको ये सीरीज़ जो है पसंद आ रही है तो उसे लाइक करना ना भूला करिए, शेयर करना ना भूला करिए, और सभी लोग जो है आपस में इसको एक दूसरे को शेयर कर दिया करिए, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी। तो ये हम लोग डिस्कशन करेंगे आज का करंट अफेयर्स। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि आज से दोपहर 2 बजे से इम्पॉर्टेंट जो कह सकते हैं क्लास है वो भी हमने शुरू करी है। और वो इम्पॉर्टेंट क्लास किस चीज़ की है? वो पॉलिटी की है। प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, यूपीएससी ओपीपीएससी के प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग अगर हम उसको देखेंगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। और शाम को डेली जो जीएस की क्लासेस हैं वो भी चल रही हैं शाम को 7 बजे से। तो दोस्तों, इन दोनों क्लासेस में आना ना भूलिए। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद विच कंपनी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA हैज़ पार्टनर टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज टू फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स। किस कंपनी के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए भागीदारी करी है? तो दोस्तों, यहां पर आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिलेगा। ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऊबर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऊबर। और ऊबर ने इस तरीके की सहायता प्रदान करने की बात कही है। साथ ही साथ उसने ये भी कहा है कि ये जो सर्विस है, इस सर्विस का नाम है ऊबर मेडिक ट्रांसपोर्ट सर्विस। इसका नाम क्या है? ऊबर मेडिक ट्रांसपोर्ट सर्विस। ये ऊबर मेडिक ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है ये 24 आवर फ्री रहेगी। और ये काम करेगी किन लोगों के लिए? वे लोग जो हमारे जो कह सकते हैं कि युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं, मेडिकल केयर सेंटर से जुड़ने वाले लोग हैं या हॉस्पिटल में इंगेज लोग हैं। और साथ ही साथ ये उन लोगों को भी सुविधा प्रदान करेगी जो COVID-19 के पेशेंट्स हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है, द 2021 वर्ल्ड गेम वॉज पोस्टपोन टू 2022 अनाउंस्ड बाई इट्स ऑर्गेनाइजर्स। द वर्ल्ड गेम 2021 वॉज प्लान टू बी हेल्ड एट विच सिटी? आपको बताना है 2021 का जो ये वर्ल्ड गेम था ये पोस्टपोन कर दिया गया है, और पोस्टपोन करके इसे 2022 में किया जाएगा। तो 2021 की ये जो प्लान है, ये जो कह सकते हैं कि वर्ल्ड गेम जो होना था इसका, उसको कहाँ पे प्लान किया गया था कि किस सिटी में आयोजित कराया जाएगा? तो ये सिटी है बर्मिंगम, बर्मिंगम अलाबामा, और ये यूएस की एक सिटी है, यूएस की, ठीक है। और इसे कैंसिल कर दिया गया है। कैंसिल करने की वजह ये है कि 2022 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक होने थे उनको कैंसिल कर दिया गया, और इसको पोस्टपोन करके आगे बढ़ा दिया गया है। और इसी कारण जो अन्य गेम हैं वो भी पोस्टपोन करके शिफ्ट कर दिए गए हैं अलग अलग समय पर। तो जिस प्रकार से ये ओलंपिक्स शिफ्ट किए गए, उसी प्रकार से इस वर्ल्ड गेम को भी शिफ्ट कर दिया गया है। अब ये गेम जो है वो 7 से 17 जुलाई 2022 में खेले जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेन वॉज इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी वॉज ऑब्जर्व? अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया जाता है मार्च 31 को। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दूसरा। और इसको मनाने का उद्देश्य दोस्तों ये है कि ट्रांसजेंडर्स को जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव की नज़र से देखा जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ इस तरीके की जागरूकता का ये एक अभियान है जिसके लिए प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को 2009 से मनाया जाना शुरू किया गया ये डे, और प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को मनाया जाता है। और साथ ही साथ इस बार जो ये 2019 2021 में जो ये 31 मार्च को, सॉरी, ये जो ट्रांसजेंडर डे मनाया गया, इसका जो कह सकते हैं कि थीम है, वो थीम है मोर देन विजिबिलिटी। इसका थीम क्या है? मोर देन विजिबिलिटी हैशटैग, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ राइजिंग डेज वॉज सेलिब्रेटेड बाई आर्मी मेडिकल कॉर्प्स विद द मोटो ऑफ सर्वे संत निरामया ऑन अप्रैल 3, 2020? 3 अप्रैल 2020 को सर्वे संत निरामया के आदर्श वाक्य के साथ सेना चिकित्सा कोर द्वारा मनाया गया, सेना चिकित्सा कोर के द्वारा, सेना चिकित्सा कोर के द्वारा मनाया जाने वाला स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण था? तो ये संस्करण है 256वां संस्करण है, 256th कह सकते हैं ये संस्करण है भैया, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 256th, ठीक है। और इसके लिए जो आदर्श वाक्य जो है वो आदर्श वाक्य है सर्वे संतु निरामया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है, नेम द बैंक विच वॉज नॉमिनेटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कलेक्टिंग डोनेशंस ऑफ PM केयर्स फंड।
तो पीएम केयर्स फंड्स के जो डोनेशंस हैं उसको कलेक्ट करने के लिए एसबीआई को छोड़ करके कौन से और दो बैंक जो है वो नॉमिनेट हुए हैं? तो एक तो हुआ है आईओसी, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, आईओसी कह रहा हूँ, आईओबी, और दूसरा है एचडीएफसी। एचडीएफसी का मतलब हो गया हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ, बोथ वन एंड थ्री। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पीएम केयर फंड्स के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप पूरी डिटेल पीएम केयर फंड्स का जो है वहाँ से देख सकते हैं। पीएम केयर फंड्स का फुल फॉर्म यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा लाइन में छोटी कर रहा था, ये है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पीएम केयर्स फंड, और इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आप सेपरेट वीडियो में देख सकते हैं। इसी नाम से, पीएम केयर्स के नाम से एक सेपरेट वीडियो पड़ी हुई है। अब इसमें एसबीआई के साथ दो और बैंक का पार्टनरशिप हो गया, आईओबी और एचडीएफसी। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद हीरो एनुअल अवार्ड गिवन बाई पेटा। पेटा के द्वारा दिए जाने वाले एनुअल हीरो टू एनिमल अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ये उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनको ये प्रोवाइड किया गया है। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, नवीन पटनायक। और उन्होंने बहुत ही सराहनीय कदम उठाते हुए अपने कह सकते हैं रिलीफ फंड से 54 लाख रुपये जो है वो खर्च करने की बात करी है, जो कि फीडिंग कराने का काम करेगा, या कह सकते हैं कि भोजन प्रदान करने का काम करेगा उन कम्युनिटी एनिमल्स को। और इसके लिए जो उनके 5 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं और जो 48 म्यूनिसिपलिटीज़ हैं उड़ीसा की, उनको संयुक्त रूप से 54 लाख रुपये जो है वो रिलीफ फंड के द्वारा दिए जाएंगे, क्योंकि कोविड-19 में न सिर्फ मनुष्य बल्कि जानवर भी प्रभावित हुए हैं। और इसी बात के से प्रभावित होकर के पेटा ने उन्हें एनिमल अवार्ड दिया हुआ है, कह सकते हैं कि हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर पेटा का फुल फॉर्म भी जानना बहुत ज़रूरी है। पेटा का फुल फॉर्म है, यहाँ से आप देखिए, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये फुल फॉर्म है पेटा का। फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखिए, ठीक है। ये पशु कह सकते हैं प्रेमियों की एक संस्था है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म 10-member ग्रुप टू फाइट कोरोना वायरस क्राइसिस, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस ग्रुप? इस ग्रुप के चेयरमैन कौन है? जो जिस केंद्र सरकार की तरफ से 10-सदस्यीय समूह का जो गठन किया गया, उस समूह के चेयरमैन का नाम क्या है? तो समूह के चेयरमैन जो हैं वो नीति आयोग के सीईओ हैं। तो नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ कांत। नीति का यहाँ पर फुल फॉर्म लिखा हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैज़ डेवलप्ड लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स G1 टू फाइट COVID-19? COVID-19 से लड़ने के लिए रेलवे विनिर्माण इकाई में से कौन सी रेलवे की वो इकाई है जिसने कम लागत वाले वेंटिलेटर G1 को विकसित करने की बात कही है? तो ये है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, और कपूरथला भाई पंजाब में है। कहाँ पर है कपूरथला? पंजाब में। हालांकि ये जो G1 नाम का जो वेंटिलेटर बनाया है, बहुत ही सराहनीय कदम एक तरीके से ये इंडियन रेलवेज की तरफ से, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की तरफ से हो सकता है। इनका कहना है कि इस वेंटिलेटर में की जो कॉस्ट है वो 10,000 रुपये है, जिसमें कंप्रेसर जो है वो शामिल नहीं है, लेकिन अगर दूसरे टूल्स या इंडिकेटर्स लगाए जाते हैं तब भी इसकी कॉस्ट जो है वो 30,000 से ज़्यादा नहीं आएगी। हालांकि इस प्रोजेक्ट को अभी क्लियरेंस मिलना, ICMR का क्लियरेंस मिलना बाकी है, पर उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इसको ये क्लियरेंस मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही सस्ते तौर पर कह सकते हैं, इफ़ेक्टिव वे में ये जो वेंटिलेटर है ये प्रोवाइड कर सकेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाय विच ईयर नासा हैज़ प्लान टू सेटअप आर्टिमिस द फर्स्ट ह्यूमन बेस्ड कैंप इन साउथ पोल ऑफ द मून? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आर्टिमिस नाम का कह सकते हैं कि सेटअप लगाने के लिए नासा ने किस वर्ष तक लगा देने की बात करी है? किस वर्ष तक नासा ने आर्टिमिस को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में पहला मानव रहित बेस कैंप स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये है 2024 तक, और 2024 तक ये काम ये नासा कर लेगा। ऐसी बात जो है वो नासा के ओर से प्रकाशित 13 पन्नों की एक रिपोर्ट में कही गई है, जिस रिपोर्ट का नाम है नासाज प्लान फॉर सस्टेन्ड ल्यूनर एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 तक नासा जो है वो आर्टिमिस नामक प्रोग्राम के अंतर्गत पहला कह सकते हैं कि उसका जो साउथ पोल पर जो सेटअप है आर्टिमिस, उसको वो सेटअप करने की बात करेगा। इसमें लिखा हुआ है आर्टिमिस प्रोग्राम एम टू लैंड फर्स्ट वुमेन एंड नेक्स्ट मैन टू
द मून बाई 2024, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नासा ये काम अकेले नहीं कर रहा है, इसके साथ कई दूसरे स्पेस एजेंसी जो हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसे कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी एंड ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी, ये सारे एजेंसीज जो है इसके साथ काम कर रही हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। लिखा है द नेम द स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज़ बीन इंडक्टेड इन टू नैस्मिथ मेमोरियल हॉल ऑफ फेम। तो नैस्मिथ मेमोरियल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले स्पोर्ट्स पर्सन का नाम बताना है। तो ये स्पोर्ट्स पर्सन है कोबे ब्रायन, ये एक बास्केटबॉल प्लेयर हैं और इन्हें ये अवार्ड जो है एक तरीके से देखा जाए दिया जाएगा 29 अगस्त 2020 में इनको शामिल किया जाएगा इस हॉल ऑफ फेम में, और साथ ही साथ उन्हें उस समय 8 और ऑनर प्रदान किए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज 8 अप्रैल की करंट अफेयर्स, 8 अप्रैल की करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण पॉइंट जो है मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया आप डेफिनेटली हमारे सेशन को लाइक करिए, लाइक ज़रूर करिए, और लाइक करने के साथ साथ एटलीस्ट एक लोगों को ही सही आप इसे शेयर ज़रूर करिए। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन वाकई पसंद आया है तो कुछ ना कुछ हमारे लिए प्रेज़वर्दी कमेंट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।